जानते हैं पूरे महीने हमारा जो टॉपिक है वो है रिजेक्शन, पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है, आपके जीवन में कार्य करेगा और आपकी मदद जरूर करेगा, और शायद ये एपिसोड आपके प्रार्थनाओं का जवाब हो। जी बिल्कुल, और अक्सर हम बात करते हैं कि हम सब अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजरते हैं, हम सब ने कभी ना कभी रिजेक्टेड फील किया है। और दोस्तों, कभी कभी जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं तब हम अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं, वी स्टार्ट हेटिंग आवर ओन सेल्व्स। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हम कैसे अपने आप से नफरत ना करें पर अपने आप से प्रेम करें। दर्शकों, बिल्कुल सही कहा रेबेका ने कि कई दफ़ा ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं हमारी लाइफ को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, और कैसे हम अपने आप से ही प्यार करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं वी आर गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, क्योंकि लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इसलिए हम बहुत ही रिजेक्टेड फील करते हैं, बहुत ही डाउन फील करते हैं। पर ये एपिसोड आपको एक बार फिर उठाएगा और आपको इस बात को प्रूव करेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप उसके लिए अनमोल हैं और आप प्रभु के आंख के तारा भी हैं। और मती के सुसमाचार में इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक शख्स था जो काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था और खेत में, और काम करते करते क्या देखा उसने, टंग की आवाज आई। उसने कहा ये क्या है। उसने फिर खोदा वहां पे, उसने और खोदा और उसने देखा कि इसमें एक बड़ा भारी संदूक, एक बॉक्स, एक खजाना मिल जाता उसको। दर्शकों, खजाना। और जब उसको खजाना मिला, उसने कहा अब मैं क्या करूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, अगर लेके भाग जाऊंगा तो चोर कहलाऊंगा, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने एक आइडिया आया उसके मन में, उसने क्या करा, उसको वापस दबा दिया और उसको बिल्कुल बंद करके उसने गया और उसने अपने मालिक को बोला कि मालिक जी, मैं ये खेत खरीदना चाहता हूं। हैं, तू गरीब आदमी खेत खरीदेगा, पैसे हैं तेरे पास? उसने कहा सर मैं इंतजाम कर दूंगा, प्लीज ये बंजर इलाका है, ये मैं कुछ काम कर लूंगा उसमें। चल, मालिक ने भी सोचा चलो कोई नहीं है, इतना पैसा है तेरे पास? बड़ी भारी रकम थी। उसने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ले आऊंगा मैं रकम। तो दोस्तों, बाइबल में लिखा है इस खूबसूरत दृष्टांत ने, इस आदमी ने, शख्स ने क्या करा, अपने घर का एक एक सामान बेच दिया। शायद उसके पास शायद बकरियां होंगी, बैल होंगे या गाय होगी, जो भी कुछ था उसके पास, मतलब हर एक चीज, बर्तन हो, वाइफ के जेवर क्यों ना हो, एक एक चीज जो भी उसके पोजेशंस थे सारा बेच दिया उसने। और उसने ऐसा करा कि वो सब कुछ बेचकर जो भी कुछ था सड़क पे आ गया। वो लोग भी सोचते होंगे, पड़ोसी सोचते होंगे, दोस्त सोचते होंगे ये पागल हो गया, सर फिरा, क्या कर दिया, सब कुछ ही बेच डाला उसने। पर उनको क्या मालूम कि वो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहा है। उसने पैसा लिया और बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर उसने मालिक को लाके दिया और वो खेत उसका हो गया। और जब खेत उसका हो गया तो क्या है उस खेत में, वो खजाना है, उस खजाने का मालिक बन गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो खेत ये दुनिया है और खरीदने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया क्योंकि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसने तो अपना बेचा सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया सलीब पर हम पे, हमारे लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और वो खजाना कौन है? वो खजाना आप है और मैं हूं। हमें इतना अनमोल, इतना बेशकीमत उसने समझा कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, निछावर कर दिया हमारे लिए, क्योंकि हमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। कौन करेगा हमारे से प्रेम ऐसा? सिर्फ प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशायाह 43:4, मैं तुझ से प्रेम करता हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और सम्मानित है। हे दोस्तों, कौन बोल रहा है ये? जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा कह रहा है कि आप उसके नजर में, उसकी दृष्टि में अनमोल है। मेरे अजीजों, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आप खुदा की नजर में अनमोल और प्रेशियस हैं और वो आपसे प्रेम करता है। दोस्तों, अगर कोई ना प्रेम करे ना आपसे, आप जितने भी दूर चले जाए खुदा से, वो फिर भी आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है उसके पास लौट आए
ताकि वो आपको आपसे बगलगीर हो जाए और अपने आगोश में आपको ले ले और आपको एक नई जिंदगी एक नई उम्मीद दे जीने के लिए। तो दोस्तों आइए हम परमेश्वर के और करीब आएं और जानें अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर में, हम जानें कि परमेश्वर में हमारा क्या मूल्य है। और दोस्तों अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ लगातार शेयर करते रहें CBN प्रेयर लाइन में। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। एंड यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन आवर CBN इंडिया वेबसाइट। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। अगर आप चाहें तो आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें।